अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं हुंजा की फेमस डिश बुरुज शपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं व्यूअर्स अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने चूल्हे के ऊपर एक डेगची ले लिया है जिसको मीडियम आँच पर रखा है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लस्सी। कुछ लोग इसे छाछ भी कहते हैं व्यूअर्स। इसके अंदर से हमने मक्खन निकाला है और इसके अंदर से जो हमने मक्खन निकाला है वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। लस्सी की जो पूरा प्रोसेस जो है उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है व्यूअर्स, जिस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी। आपने लस्सी को बिल्कुल मीडियम आंच पे रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखना है व्यूअर्स। बिल्कुल थोड़ा सा इसे गर्म करना है। गर्म करने से इसके अंदर का जो पानी है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा व्यूअर्स, और हम इस लस्सी से पनीर बनाएंगे और जिसे हमारी ज़बान में कहते हैं बुरुस। इसी बुरुस से हम बनाएंगे बुरुस शपिक। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, बिल्कुल पानी अलग हो गया है। अभी हम इस सारे पानी को एक कपड़े के बैग के अंदर डालेंगे, या कहें एक कपड़े में भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़े का बैग बनाया है, इसमें ये सारा पानी डालूँगी व्यूअर्स। आपने थोड़ा थोड़ा करके ये सारा पानी इस बैग के अंदर डालना है। आपने ध्यान रखना है व्यूअर्स कि आपने लस्सी को उबालना नहीं है, थोड़ा ज़्यादा गर्म करना है। लस्सी को उबालने से ये फिर आपके हमारा जो बुरुस है वो सही से नहीं बनेगा। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सारा पानी इसके अंदर डाल लिया है और आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके इससे निकल रहा है। आपने इस बैग को किसी चीज़ के साथ हैंग करना है और ये ऑलमोस्ट 3 to 4 hours के बाद इसके अंदर का सारा पानी निकल जाएगा और ये हम कह सकते हैं पनीर बन के रेडी हो जाएगा, जिसे हमारी ज़बान में कहते हैं बुरुस। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा व्यूअर्स, जी व्यूअर्स देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर का सारा पानी निकल गया है और ये बिल्कुल ठोस शक्ल में आ गया है। ये देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर का सारा पानी निकल गया है। अब हम इसे ग्राइंडर के अंदर डालेंगे और पुदीना, धनिया और हरी प्याज के साथ ग्राइंड करेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा दूध भी शामिल करेंगे। यह है हरी प्याज, बारीक कटी हुई हरी प्याज और पुदीना और धनिया, इसे शामिल करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे व्यूअर्स। और साथ ही साथ आपने थोड़ा सा दूध भी शामिल करना है, ऑलमोस्ट ये है हाफ ग्लास। थोड़ा सा नमक भी शामिल करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इस रायते को किसी बाउल में डालेंगे व्यूअर्स, ताकि लगाने में इजी रहे। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा, हम रोटी बनाएंगे व्यूअर्स। यहाँ पे मैं आटे के अंदर थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। और बिल्कुल प्लेन पानी से हम आटा गूंदेंगे, जिस तरह आप नॉर्मली रोटी के लिए आटा गूंदते हैं इसी तरह आटा गूंदेंगे और हम रोटी बनाएंगे। डो बन के रेडी है व्यूअर्स, अभी हम इसी डो से रोटी बनाएंगे। आपने इसी तरह 6 से 7 रोटी बनाने हैं, और अगर आप कम या ज़्यादा बना सकते हैं तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रोटी बना सकते हैं। यहाँ पे तवा प्री हीटेड है, तो अभी हम इसके ऊपर रोटी डालेंगे और इसे पका लेंगे। आपने रोटी को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है व्यूअर्स, आपने आपसे जितना हो सकता है आपने इसे पतला बेलना है, वही बिल्कुल पतला बनाना है। सारी चपातियाँ बनके रेडी हो गई हैं व्यूअर्स, अभी हम एक चपाती ले लेंगे
एक रोटी ले लेंगे। इस रोटी के ऊपर ये जो हमने बुरुस का जो मिक्सचर बनाया है इसे रोटी के ऊपर लगाएंगे। एक रोटी के ऊपर ऑलमोस्ट 2 बड़ी चम्मच ये जो बुरुस का जो मिक्सचर है वो लग जाएगा। इसी तरह आपने किनारों पे भी लगाना है, पूरे साइड पे लगाना है, और इसके ऊपर एक और रोटी रखना है। और आपने घी को मेल्ट करना है व्यूअर्स। घी बनाने का पूरा प्रोसेस मेरे प्रीवियस वीडियो में है, आप ज़रूर देखें व्यूअर्स। ये बिल्कुल देसी घी है, देसी घर का बना हुआ घी है। आप जो है अगर आपके पास घी नहीं है तो आप आलमंड ऑयल, एप्रिकॉट ऑयल का भी बना सकते हैं व्यूअर्स। बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनता है। हमारे हुंजा में गिरी के तेल से भी बनता है, बादाम अखरोट के तेल से बनता है व्यूअर्स। अब हम इसी के ऊपर एक और रोटी लगाएंगे। रोटी रख के इसके ऊपर ये बुरुस का जो मिक्सचर है वो डाल लेंगे। इसी तरह आपने एक के बाद एक, एक के बाद एक सब पे यही प्रोसेस बार बार रिपीट करना है। एक रोटी पे आपने बुरुस का मिक्सचर लगाना है और इसके ऊपर एक और रोटी रखना है। अभी हम इसके ऊपर जो देसी मक्खन हमने मेल्ट किया है वो लगाएंगे व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, अभी हमने तेल लगाया। तेल लगाने के बाद एक और रोटी रखेंगे और इसके ऊपर भी सेम यही प्रोसेस करेंगे। पहले हम बुरुस का मिक्सचर लगाएंगे और इसके ऊपर एक और चपाती रखेंगे। आपने रोटी पे फुल अप्लाई करना है, लगाना है, किनारों पे भी लगाना है व्यूअर्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व्यूअर्स, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरे हर नई वीडियो आने की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी व्यूअर्स। आखिर में, सबसे आखिर में आपने एक रोटी रखना है ऊपर, और इसके ऊपर भी आपने इसी तरह जो घी है व्यूअर्स आपने लगाना है। ये देखिए व्यूअर्स, बुरुशपिक बन के तैयार है। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएं व्यूअर्स, बहुत टेस्टी बनता है। वो बिल्कुल ऑर्गेनिक, बहुत हेल्दी डिश है व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, हम इसे काट के भी आपको दिखाते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये डिश रेडी होता है। ये देखिए व्यूअर्स, अंदर से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें व्यूअर्स। अगर आपको किसी भी कटिंग या स्टिचिंग से रिलेटेड या कुकिंग से रिलेटेड आपकी कोई भी डिमांड है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं व्यूअर्स। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।